गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स दिस इज़ आवर फ्यूचर स्टेप बुक एंड टूडे वी विल रीड चैप्टर नंबर टू द लक्की बर्ड हुमा दिस इज अ स्टोरी लेट एट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए पुअर वुड कटर इन ए स्मॉल विलेज इन कश्मीर ओके एक समय की बात है गरीब लकड़हारा एक कश्मीर के छोटे से गाँव में रहता था यूज टू अर्न ए मिगा इनकम बाई कटिंग बुड इन दियर बाय फॉरेस्ट एंड सेलिंग डैम इन लोकल मार्केट और वो क्या करता था अपना जीवन चलाने के लिए अपनी इनकम के लिए लकड़ियाँ काटा करता था जंगल पास के जंगल में और उनको लोकल मार्केट में सेल कर दिया था कर देता था लेकिन उसकी जो इनकम थी बहुत ही कम थी या मिगा मीन्स होता है कम इट वॉज रियली एवं हार्ड स्ट्रगलर टू सपोर्ट हिज लार्ज फैमिली कंजिस्ट ऑफ हिम हिम सेल्फ हिज वाइफ एंड सेवन डॉटर और उसके लिए जो लाइफ थी बहुत ही स्ट्रगल थी, थी संघर्षपूर्ण थी क्योंकि उसकी एक बड़ी फैमिली थी जिसमें वो था उसकी वाइफ थी और उनकी उसकी सेवन डॉटर्स थी ही कुड नेवर बाय ए बिट ऑफ मीट फॉर इज फैमिली और वो कभी भी अपनी फैमिली के लिए एक मीट नहीं खरीद सकता था आई थिंक दे आर नॉन वेजिटेरियन हैज नो शू ऑन स्ट्रीट और उसके पैरों में कोई जूते भी नहीं थे एंड हैड ओनली ए रैग टू कवर दैमसेल्व इन विंटर और उसके पास एक फटा चित्र था जिसको विंटर में ओढ़ लिया करता था ओके वन डे ही वैन टू कट ट्रीज एज यूजल एक दिन वो हमेशा की तरह लकड़ियाँ काटने गया ही वॉज नॉट फीलिंग वैल उस समय आई थिंक वो उसको शायद तबियत तो वगैरह कुछ खराब होगी तो वो अच्छा फील नहीं कर रहा था अपने आप को सो आफ्टर सम टाइम ही ले डाउन अंडर ए ट्री टू रेस्ट और इसलिए वो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे लेट गया इस तरह से होमा वॉज ए लक्की बर्ड हु हैपन टू लिव डेट फॉरेस्ट होमा एक लक्की बर्ड थी जो इस फॉरेस्ट में रहती थी एज एज द मैन वॉज लिविंग Under the tree, the bird noticed him seeing the woodcutter in dire poverty and sickness. The bird felt pity on him. जब ये लकी बर्ड हुमा आई नीचे उसने देखा इस फॉरेस्ट में इस मैन को और उसने देखा कि ये जो वुड कटर है बहुत ही गरीबी में है और कुछ बीमार सा भी लग रहा है ऐसा उसको फील हुआ <coughs> तो हुमा को उस पर दया आ गई सो इट फ्लू डाउन बिसाइड हिम एंड डिपोजिट ए गोल्डन एग बाईज इसलिए वो क्या हुआ उस लकड़ी के यहाँ ढेर के बंडल के पास में आई और उसने एक गोल्डन एग वहां पे रख दिया और उसके बाद वो उड़ गई इन ए लिटिल वाइल्ड द वुड कटर अवेग एंड सादा एग और कुछ ही देर में वुड कटर उठा और उसने वो सोने का अंडा देखा हि पिक डिट एप एंड रैप इट इन इन देश बैंड और उसने उस अंडे को उठाया और अपने कमर में बांध लिया कमर में जो गमछा होता है उससे बांध दिया जनरली ब्राउटेड और उसके बाद उसने अपना जो गट्ठर है उसको उठाया और उसके बाद उस शॉपकीपर के पास चला गया जहाँ से वो अक्सर सामान लिया करता था आफ्टर गिविंग ही मे हिम म बंडल ही शोर द शॉपकीपर द गोल्डन एग उसने उसमें क्या हुआ अपना जो उस शॉपकीपर को सोने का वो अंडा दिखाया गोल्डन एग दो वुड कटर हैड नो आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ एग और वुड कटर को उस एग की कीमत पता ही नहीं थी वो कितने का है बट द शॉपकीपर न्यू इट वैल लेकिन जो शॉपकीपर था वो अच्छे से जानता था द ग्रेडिज शॉपकीपर बाउट द एग फॉर एपिटी सम एंडन आग द व वुड कटर टू गो एंड गेट द बर्ड डेट लेट इट अच्छा वो जो शॉपकीपर था बहुत ही लालची था उसने कुछ सामान दे दिया उसको और कुछ पैसा भी दे दिया और बोला कि अब की बार जब जाओ तो इस बर्ड को ही लेके आना जिसने ये अंडा दिया है ही ऑल्सो प्रॉमिड टू गिव ही गुड रिवॉर्ड फॉर द बर्ड और उसने लकड़हारे से यह भी प्रॉमिस किया कि अगर तुम उस बर्ड को लेकर आओगे मैं तुम्हें कुछ ना कुछ इनाम दूंगा द मैन प्रोमिस्ड एंड लेफ्ट फॉर होम और उसने भी प्रॉमिस कर लिया और उसके बाद वो अपने घर को चला गया लकड़हारा ऑन द फॉलोइंग डे वेंट द जंगल एज यूजल टू प्रिपेयर हिज लोड ऑफ वुड हमेशा की तरह वो जंगल में गया लकड़ियाँ काटने के लिए ऑन द वे सेट डाउन टू रेस्ट अंडर द सेम ट्री और रास्ते में वो उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए सो गया वेयर ही हैड फाउंड दायक जहां पर उसने अंडा पाया था एंड टू स्लिप और उसने ये बहाना किया जैसे कि वो सो रहा हो दर्ड हुमा कैम अगेन एंड नोटिस दैट ही वॉज स्टिल एज पुअर एज इल वो हुमा बट फिट से आए और उसने देखा अरे ये तो अभी भी गरीब है और अभी भी बीमार जैसा ही लग रहा है uh, मैंने तो उसको सोने का अंडा भी दिया था लुकिंग हैज बिफोर ये पहले की जैसे ही दिख रहा है थॉट डैट ही माइट नॉट हैव सीन है उसने सोचा कि शायद इसने अंडा नहीं देखा होगा नहीं लिया होगा तो इसको समझ में नहीं आया देयर फॉर द बर्ड वेंट नियर हिम इसलिए जो बर्ड थी उसके पास फिर से गई एंड लेड अनादर एग क्लोज बाय हिम और उसके एकदम नजदीक जाके उसने अंडा दे दिया इन सच ए स्पॉट डैट ही कुड नॉट पॉसिबली मिस सींग इट और ये सोच कर कि अब तो शायद ये देख ही लेगा अब तो शायद ये अंडे को देख ही लेगा बट द वुड कटर वॉज नॉट स्लिप एट ऑल लेकिन जो वुड कटर था वो तो सोया ही नहीं था एज सुन हैज द बर्ड ही रोज अप टू कैरी इट टू द शॉपकीपर अब वो उठा और उसने उठ, उसको पकड़ लिया और उसको शॉपकीपर के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया ओ वट आर यू गोइंग टू टू डू विथ मी तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो डोंट किल मी बट सेट मी फ्री उसने कहा मुझे मारो मत मुझे आजाद कर दो क्राइड द बर्ड बट क्राइड किया उसने प्रार्थना किससे? से यू शल नॉट फैल ऑफ ए रिवार्ड ठीक है प्लग ऑन माई फेदर एंड शो इट टू द फायर उसने कहा कि तुम तो मुझे मारो मत मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगी कि इस धरती पे तुम्हें किसी ने दिया ही नहीं होगा तुम मेरा एक पंख तोड़ो और इसको एक उसको आँख को दिखाओ फायर को दिखाओ एंड यू शैल एट वंस अराइव एट माई कंट्री कोफ और तुम जैसे उसको दिखाओगे तो तुम मेरी कंट्री कोए काफ में पहुँच जाओगे वेअ माई पेरेंट्स विल रिवार्ड यू जहाँ पे मेरे पेरेंट्स तुमको इनाम देंगे दे विल गिव यू ए नेकलैस और पर्ल्स वो तुम्हें एक uh, मोतियों का हार देंगे द प्राइज ऑफ विश नो किंग ऑन अर्थ कुड गिव और उसकी जो प्राइज़ है वो तुम्हें इस धरती पर कोई भी राजा नहीं दे सकता है ठीक है बट द पुअर इग्नोरेंट वुड कटर वुड नॉट लिसन बर्ड्स प्लीडिंग लेकिन जो वुड कटर था वो तो अज्ञानी था उसको तो इनाम दिख रहा था उसका उसने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी बर्ड की हिज माइंड वॉज टू मच ऑक्यूपाइड विद द थॉट ऑफ द रिवार्ड दैट ही वुड गेट फ्रॉम द शॉपकीपर उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि मुझे शॉपकीपर से क्या लेना है इनाम लेना है। वही इसके दिमाग में चल रहा था ठीक है सो ही फास्ट इन द बर्ड हिज रैप एंड रन ऑफ टू द शॉपकीपर एज फास्ट एज हिज लैग कैरी हिम और उसने अपने बर्ड को क्या किया जैसे गमछे में उसको लपेटा था ना सोने अंडे को वैसे ही बर्ड को भी लपेट लिया और इतना तेज भागा जितना कि तेज वो भाग सकता था शॉपकीपर के पास में बट एलास द पुअर बर्ड डायड ऑन द वे फ्रॉम सपोकेशन और रास्ते में ही जो बेचारी चिड़िया थी जो हुआ बर्ड थी वो सपोकेशन के मारे मर गए घुटन हो गई उसको ऐसा ज्यादा उसने बाँध लिया वॉट शैल आई डू नाउ अब मैं क्या करूँगा टॉट द वुड कटर द शॉपकीपर विल नॉट गिव मी एनी रिवार्ड फॉर द डेड बर्ड उसने कहा शॉपकीपर से मरे हो पक्षी का तो मुझे कुछ देगा ही नहीं अह आई वे शो द वन ऑफ इट्स फैदर टू द फायर एंड विल रीच इज कंट्री उसने कहा अच्छा अब मैं क्या करूँ मैं इसका एक पंख थोड़ के आँख को दिखा दूंगा और मैं इसकी कंट्री पहुँच जाऊंगा पर एट द बर्ड बींग डैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस बोले बर्ड मर गया तो क्या हुआ इसकी वहाँ पहुँच जाएंगे थिंकिंग सो ही लिट ए फायर और ये सोचकर उसने आँख जलाई एंड पुट वन ऑफ द फैदर ऑफ द बर्ड इन टू इट और उसमें उसका एक पंख डाल दिया इन नो टाइम ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द कोई ये काफ और कुछ ही क्षण में मतलब उसको देर भी नहीं लगी और वो उसके कंट्री पहुंच गया बैठ के हुआ काफ देर ही मैट द पेरेंट्स ऑफ द बर्ड एंड टोल्ड हिम टोल दैम ऑल दैट और उसके बाद उन्होंने उसने क्या किया कि उनके उसके मम्मी पापा से मिला उसके पेरेंट्स से मिला और जो भी घटना घटी उसने बता दिया ओ हाउ द पेरेंट्स एट द अदर बर्ड्स वेब्ड दैम वेब्ड वैन दे सा डेड बॉडी ऑफ देयर बी रिलेटिव और जो पेरेंट्स थे और जो दूसरे बर्ड थे वो हुमा की बॉडी को देख के रोने लगे क्योंकि हुमा से सब लोग बहुत प्यार करते थे तो उसको देख के रोने लगे अट्रैक्ट बाय द मॉर्निंग स्ट्रेंज बर्ड डेट हैपन टू बी पासिंग एट द टाइम कैम इट एंड इंक्वायरी वॉट द मैटर वॉज और जब सब लोग रो रहे थे तो एक पक्षी आयान पक्षी और इसने ये सब देखा और देख के बोला कि आखिर मैटर क्या है द बर्ड कैरिड ए पीस ऑफ ग्रास ऑन इट्स बीग विथ विच इट ड्राइज ऑफ डैट उसने का क्या बात है अब ऐसा है जो ग्रास का एक तिनका है जो एक ग्रास लेकर आते हैं ग्रास है और उसको इसके बीक में डाल दो जो हुमा जो मर गई है उसके मुंह में डाल दो शायद ये जिंदा हो जाए ठीक है वाई डू यू वीप इट्स टू सॉरोफुल बर्ड बिकॉज ऑफ आवर रिलेटिव डेट्स वी शेल नेवर स्पीक टू इट अगेन दे रिप्लाइड उसने कहा कि, कि तुम लोग रो क्यों रहे हो तुम लोग रो क्यों रहे हो तो वो जो बर्ड्स थे जो रो रहे थे उसने कहा हम रोए नहीं तो क्या करें देखो हमारा जो रिलेटिव बर्ड है हमारी जो हुमा है वो आ, चली गई है डेड हो गई है और फिर हम इसे कभी बोल ही नहीं पाएंगे है ना दे रिप्लाइड वीड नॉट से जिंदा हो जाएगा पीस ऑफ ग्रास इन द माउथ और दून इट वॉज बैक टू अलाइ और ऐसा कहकर उस स्ट्रेंज पक्षी ने क्या किया स्ट्रेंज बढ़ने क्या किया एक ग्रास का जो पीस था उसकी डेड बॉडी में ऊपर डाल दिया और जैसे ही डाला तो वो जिंदा हो गई एवरीबडी वॉज रिजोइंग बर्ड हुमा और सारे के सारे जो थे वो बहुत ही खुश हो गए क्योंकि हुमा जिंदा हो गई थी हुमा ने वुड कटर को देखा इट एट वंस रिमेंबर्ड हिज फैथलेसनेस एंड केयरलेस और उसको देखकर उसकी जो फैथलेस थी और केयरलेस यानी कि उसने एक तो उसके ऊपर क्या की थी दया की थी तो उस उसने उसको माना नहीं उसको देखकर और उसकी केयरलेस को उस याद करके उमा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था उमा ने क्या बोला आई कुड हैव मेड यू ग्रेट एंड हैप्पी इट्स सैड उसने कहा मैं तुमको बहुत ही ग्रेट बना सकती थी बहुत पैसा दे सकती थी बहुत हैप्पी कर सकती थी बट नाउ गेट बैक टू योर बर्डन ऑफ वुड एंड हम्बल होम अब तुम जाओ अपने घर को वापस क्योंकि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया एज सुन एज द बर्ड सेट सो जैसे ही बर्ड ने ऐसा कहा द पुअर मैन फाउंड हिमसेल्फ बैक अगेन इन द जंगल पुअर मैन ने अपने आप को जंगल में पाया एंड स्टैंडिंग बाय द लोड ऑफ वुड और वही लकड़ियों का गठा दैट ही हैड प्रिपेयर बिफोर ही वॉज ट्रांसपोर्ट टू कोए काव और वो कोयकाव से वापस आ गया ही सोल्ड और बहुत ही उदासी से फिर अपने बच्चों के पास अपनी वाइफ के पास लौट गया दकी बड हुमा गिन और उसने फिर वो लकी बड हु को फिर कभी नहीं देखा तो उसने भी क्या किया लालच किया इसलिए अपनी वही पोजिशन में वापस हो गया इसलिए हमको जो भी मिलता है हमको उससे सेटिस्फाई रहना चाहिए चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो अगर हमारे लक में होगा तो हमें डेफिनेटली मिलेगा नहीं होगा तो किसी भी जानवर को मारना नहीं है तो बहुत ही गलत काम किया उसने तो फिर से उसी कंडीशन में आ गया ओके चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं अभी आपने रीड कर लिया है और आप सिक्स क्लास में हैं डेफिनेटली अब आप ट्रांसलेट करना सीखें और अपने से आंसर करना सीखें फिर भी चलिए बता देंगे आपको देखते रहिए ठीक है अब ये क्या है हमारा मैज द कॉलम ए टू बी ए टू बी है ये तो आप कर ही लोगे ट्रू फॉल्स द वुड कटर लिफ्ट इन ए विलेज इन पंजाब पंजाब में नहीं था कश्मीर में था।, था ना अब इसको समझिए और करिए आप उसके टू डॉटर थी देखो यहाँ पे क्या आया है पूरा सेंटेंस आप पढ़ के मेन पे ध्यान दिया करो ठीक इट वाज़ द रियली हार्ड स्ट्रगल द वुड कटर टू सपोर्ट इज लार्ज फैमिली कंजिस्ट ऑफ ऑफिस हिमसेल्फ एंड वाइफ द टू डॉटर टू डॉटर नहीं थी उसकी सेवन थी ना ये भी फॉल्स हो गया हु डेड प्लेस और उसी व्लेज में रहती थी हुमा लकी बर्ड थी जो यस बिल्कुल सही द पुअर इग्नोरेड वुड डिड नॉट लिसन टू बर्ड टू और उसने जो थी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी क्योंकि वो उसके दिमाग में तो क्या चला था एक रिवार्ड ही चल रहा था जो शॉपकीपर उसको देने वाला था द वुड कटर वेन टू द बैक इज वाइफ एंड द डॉटर इन द वेरी सेटफॉर्म फिर वापस अपना उदास मुँह लेके आ गया यस इट इज ट्रू अब देखो इसमें लिखा है अरे देंटेंस दे बाय दे द दे दे अब पेयर इन द जो आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है ना तो उसको आपको क्या करना है सिक्वेंस में लगाना है फर्स्ट क्या हुआ सेकेंड क्या हुआ तो यहाँ पर आपको नंबर लिख देना है चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर करने से पहले वो क्या भी देख लेते हैं यहाँ पे मैज द कॉलम एंड द सिनोम कॉलम यहाँ पे सिनोमियम्स है आपके तो आप अपने से पढ़ के मैच करेंगे और यहाँ क्या करना है आपको पहले तो इनके मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है उसके बाद सेंटेंस फ्रेमिंग करना है तो सेंटेंस फ्रेमिंग तो बहुत ही ईजी होता है वो कर सकते हैं यहाँ पर डायलॉग्स आपको कम्प्लीट करने हैं फिर ग्रामर इन यूज़ में हमारा क्या है पॉजिटिव कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हमको करना है ये भी बहुत ईजी है उसके बाद यहाँ पे क्या करना है एग्जैक्टिव हमको फाइंड आउट करना है तो एग्जैक्टिव फाइंड आउट आप जब कर लोगे यहाँ पे तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है नाउ यूज अबव एग्जैक्टिव अभी एग्जैक्टिव हमने फाइंड आउट कर लिया ना तो इसी से आपको क्या करना है सेंटेंस बनाना है यहाँ पर ओके और जो एक्टिविटीज़ है ये तो आपको अपने से करना है अब चलिए पहले क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं अरेगा हाउ डिड द वुड कटर अर्न इज लिविंग जो वुड कटर था अपनी अर्निंग कैसे करता था कैसे तो हमारा ये जो पेज नंबर था देखिए क्वेश्चन आंसर यहीं पे है यूज टू अर्न ए मिगा इनकम बाय कटिंग वुड इन द नियर बाय फॉरेस्ट एंड सेलिंग डैम इन द लोकल मार्केट इजी वेरी इजी ओके अब क्या है क्वेश्चन नंबर टू हाउ मेनी मेम्बर्स देयर इन द वुड कटर फैमिली वुड कटर की फैमिली में कितने मेंबर थे तो आपको क्या बोलना है यहाँ लिखना है देयर वर यहाँ से देयर वर ठीक है देयर वर हिज फैमिली एंड द सेवन डॉटर इन द वुड कटर्स फैमिली क्वेश्चन में ही आंसर है यहाँ पे कैसे करना है आपको देयर वर है ना हिज वाइफ एंड सेवन डॉटर्स इन द वुड कटर्स फैमिली ओके क्वेश्चन नंबर थ्री है वाई डिड द बट फील पीटी ऑन द वुड कटर वुड कटर को देख के जो बट थी उसको उस पर दया क्यों आ गई क्यों आ गई क्योंकि वो हुआ दिख रहा था बीमार दिख रहा था ठीक है तो, तो क्या करेंगे सीइंग द वुड कटर इन द डा पॉवर्टी उसकी जो पॉवर्टी थी उसकी जो गरीबी थी और उसकी जो उसको जो बीमार सा दिख रहा था यह देखकर द बर्ड फेल पी ऑन हिम उसको उस पर दया आ गई किसको दया आ गई बर्ड को ठीक है अब है फोर वॉट मेड द बर्ड थिंक द वुड कटर हैड नॉट सीन द एग क्या सोचकर uh, जो हुमा थी उसको ये लगा कि जो वुड कटर ने शायद अंडा नहीं देखा होगा तो क्या क्या उसने? तो सोचा उसने क्यों ऐसा सोचा तो क्यों सोचा देखिए द बर्ड हुमा कैम अगेन बर्ड हुमा फिर से आई एंड नोटिस डैट ही वॉज स्टिल एज पुअर एज इल और ये देखा कि अभी भी वो उतना ही गरीब है जितना कि वो पहले था ठीक है यही सोचकर उसने क्या किया लुकिंग बिफोर डॉट ही माइट नॉट इवन सीन सोचा कि शायद उसने वो अंडा नहीं देखा होगा अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव विच कंट्री बर्ड द बर्ड बिलोंग टू आप लिखेंगे द बर्ड बिलोंग टू इसमें डी लगा देना टू कोई ये का ठीक है अब आपका आ गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट वॉज द वुड कटर्स माइंड ऑक्यूपाइड विट वुड कटर के दिमाग में क्या चल रहा था देखिए ये भी हमारा आंसर यहीं पर ही है ठीक है हिज माइंड से करोगे आप हिज माइंड वॉज टू मच ऑक्यूपाइड विद द दॉट ऑफ रिवार्ड डेट ही वुड गैट फ्रॉम द शॉपकीपर शॉपकीपर से मिलने वाले रिवार्ड को लेकर उसका माइंड क्या था ऑक्यूपाइड था अब है वट डिड द बर्ड रिमेंबर ऑन द सींग वुड कटर वुड कटर को देखकर बर्ड को क्या याद आ गया देखो क्वेश्चन में से आंसर करना है आपको क्या करना है द बर्ड रिमेंबर्ड क्या आप लिखोगे द बर्ड रिमेंबर्ड हिज फैथलेसनेस एंड केयरलेसनेस ऑन सीइंग वुड कटर ये देख वुड कटर को देखकर उसकी फैथलेसनेस और केयरलेसनेस उसको याद गई लास्ट टाइम वाई डिड द वुड कटर रिटर्न टू हिज फैमिली विद द सेट फ्रेम ऑफ माइंड उदास मुँह लेके फिर से वो अपनी फैमिली के पास क्यों आ गया तो आप कैसे लिखोगे इसका आंसर देखो क्वेश्चन में से आंसर है द वुड कटर रिटर्न विद माइंड सबसे पहले ये आपको लिखना है ठीक है बिकॉज ऑफ हिज क्या लिखोगे बिकॉज ऑफ हिज फैथलेस एंड केयरलेस ठीक है ये हो जाएगा उसके बाद बस इतना ही लिख देना क्योंकि उसके पहले और केलस को देख के क्या हुआ वापस आ गया चलिए तो ये क्वेश्चन ये आपका फिनिश हो गया इसको रीड कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इसमें हमको इस लेसन मिल रहा है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए ठीक है बाय बाय फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन थर्ड के साथ गुड बाय केयर